ये कब हुआ? सुबह, आज सुबह। हाँ सुबह, उसको खुद जलाया गया सर। क्या कारण था? मतलब पहले भी ऐसा होता था? पहले बहुत बड़ा झगड़ा करता था, उसको साथ पीता था, उसको मारता था, उसको आज बिल्कुल ही जला दिया। पहले हमारी सास को मारा, फिर उसको मारा। तो पहले कभी आप पुलिस के पास गए, मतलब कोई ऐसी दर्द? नहीं सर, मैं कभी नहीं गई। बाकी वालों ने, मेरी शादी अभी 8 साल हुई है, पर मैं जब से आई हूँ ना, जब से यही बोलते हैं, हमारी ये बोलते थे हमारी बहन दुखी है। मैंने मैं जब से शादी हुई एक बार गई हूँ उसके पास, ये बोलते थे उसके पास नहीं जाना है, कि वो जो उसका पति है वो रात को ही घुमा देता था सभी को। उसके पास हम जाते नहीं थे, डर के मारे बोलती मेरे पास नहीं आना, हम जाते नहीं थे उसके पास। कहाँ का मामला जरा बता पाएंगे? अच्छा, राया मोड़ का। हम उसके मायके वाले, मैं उसकी भाभी हूँ। क्या आपसे भी उसने पहली बार जिक्र किया होगा कि मैं बहुत दुखी हूँ? हाँ करती थी सर, करती थी। हमने बड़ा कुछ किया पर वो नहीं। तो क्या आपने उस लड़के से बात की कि ऐसा क्यों किया? बड़ी बार समझाया उसको पर वो नहीं समझता था, वो समझता है ही नहीं था। उसको बड़ी बार समझाया, बड़ी बार मैं उसको भाई बोलती, मैं बोलती समझा, अपने कब्र अपने परिवार से ज्यादा कोई नहीं होता, वो किसी की मानता ही नहीं था। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसको सजा होना चाहिए, बस। उठने मर रहा नहीं मर रहा, ये देखो गलाई अंदर बारह एना कुंडा ला गया, जिसलै अग लगी बाहर पता लगा, गुआढ़ियें पता लगा, गुआढ़ी आए, उन्हें देखा जेकर अग लगती है, जेकर अग कि लगती और जाने लगती, जे मरना चाहती उन्हें जा कहीं पर जाना हाँ अच्छा जी, उसी फुके आए बुढ़ी भी अंदर बुढ़ी भी घर ही तो जवाई घर हाँ। ये तो जनानी तेल भी सुटी सकती है, उसकी मतलब गर्मी बड़ी है, उसी मतलब तेल सुटी अग लाई। अस कह चाहते साड़ी कुड़ी मारी उड़ी, उन्हें कहने अस इंसाफ ये चाहते हैं, कैसे बोला, पूरी दुनिया को पता है किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं। क्या क्या हमारी लड़की जब मार गई, आप सोचो क्या इंसाफ होना चाहिए आपको? हम भी यही सोच रहे, समाज में कब तक आखिर चलता रहेगा कि माता पिता तक लड़की जब बार बार बताती है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो क्यों नहीं माता पिता उसको साथ देते? जब लड़की के साथ बड़ा हादसा होता तो सारे आ जाते, क्यों नहीं पहले उसको कंट्रोल किया? मेरी गल सुनो मैडम जी, आ जाते लेने में आ जाते, बच्चे छोड़ आती थी तो बोलती थी बस बच्चे छोटे, हमको ऐसा क्या लगती है? मैं उसकी ताई हूँ। कितनी उम्र है उनकी? 40 से ऊपर होगी। 40 हाँ ऊपर होगी। पहले कभी पुलिस के पास गए? हाँ हाँ सेल। कितनी बार गए? एक बार सेल च गए थे। हाँ तो सेल वाले क्या किया, ऐसे उसको डांड डूड चाड़ी तो भेज दिया, बोला कोई छोटे बच्चे हाँ भेज दिया, हाँ भेज दे। इस टाइम तो उसके जो उनका चेयरमैन है ना सरपंच, उसने बोला एक बार भी फोन किया, दूसरे बार भी किया, भाई भेजो कुछ बात नहीं है, बच्चे घर में है भेजो, छोटे बच्चे, हमने भेज दी। तो ऐसे सारा सामान भी तोड़ देता था, तो लड़की को बहुत बुरी तरह से मारता था। तो अभी आपको लगता है कि उन्होंने ये ऐसा? उन्होंने किया सारी लड़की ऐसे नहीं, आंखों के सामने ऐसा हुआ है, आपने सुना क्या? हम अपने घर थे, आंखों के सामने कैसे होना था, हमारी लड़की है, हम अपने घर थे, वो लड़की कहां पे थे और वो कहां से? हम घर थे, हमारा घर उधर है, वो लड़की की अपनी बहुत ज्यादा बोलते। मैं अभी गया था वरुण बाढ़ में गया था, मेरा नाम तिलक राय है, मेरी दो बेटियां हैं राया में, तो हर समय हमें बात बात की खबर लगी रहती थी। मेरी बेटी की डेथ हुई, वो बीमार थी, जब उसके पास वो हर समय मनु आती रहती थी, दीदी कैसे हैं कैसे? नाम लड़का का मनु था, मनु अनु देवी उसका नाम है, बेटी का नाम अभी जली हुई है। तो अभी मेरे को फ़ोन कर रहे थे, 9 बजे की बात है, मैं इनको नहीं पता चला था, मैं मेरे को पहले पता चल गया था, तो मैं आप इधर ही पहुँच गया। कहने का मतलब ये है, वो तो हर समय का शराबी रहता है, 24 घंटे का ड्रिंकर है वो, घर में कोई सुनाई नहीं किसी की करता है, माँ कुछ बोलती है, बहन कुछ बोलती है, वो भाई कुछ बोलता है, जब कंपर भाई तब हो जाता है जब एक में एक हो, तो
अब मीडिया आप ये बोल रहे हैं, आप थाने में गए हैं, थाने वाले क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। जब मुसीबत पड़ती है उसको पता चलता है जिसके घर में। तिलक राज आपसे जरूर जानना चाहेंगे, ये कहीं ना कहीं माता पिता की भी कमी रहती है, शायद ऐसा हो। जब बेटियां घर देखिए, मैं बताता हूं। समाज के डर से कहते हैं नहीं घर बसा रहे। अगर बेटे में कुछ खराबी है तो मेरे को पहले पता है, अगर बेटी मेरी में कोई परेशानी है तो मेरी घर वाली को पहले पता होगा। सुस्ती तो पहले पूरे घर की होती है तब ऐसे बात बनती है, ऐसी कोई बात नहीं बनने वाली। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ना माता पिता को जब बच्चियां परेशान हो साथ देना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो बेटी जाएगी, चाहे हमारी, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, हमारी जान भी चली जाएगी। हमको अपना इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं होगा तो हम शायद और कुछ कर सकते हैं। हम नहीं किसी को जीने, अगर हम नहीं जियेंगे ना तो हम जीने भी नहीं देंगे किसी को। लड़का ऐसे कनेक्टरी करता है। हाँ जी हाँ जी करता था। एक आज उसके साथ हुआ, कल मेरी बेटी एक और है उधर, उसके साथ भी हो सकता है। इस तरह का इंसाफ होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि उसने जलाया, उसके पति ने जलाया, सबसे पहले अब तो पुलिस में कस्टडी में है, लेकिन उसको तो अभी तक पूछा नहीं पुलिस ने। कम से कम उसको अभी मालसी होती तो बयान अपना देता, मैंने क्या किया उसके लिए। अभी उसको कुछ नहीं किया पुलिस ने, कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक, खाली अपनी कस्टडी में रखा, वो बचकर साइड पर रह गया। वो पहला केस नहीं, काफी बार ऐसे आप देख सकते हैं कि जो है एक ऐसा केस दिल जो है दहलाने वाला केस है, कि जिस तरीके से जो है 21वीं सदी में भी आज भी जो है महिलाएं सेफ नहीं हैं, आज भी जो है उनको घरों के अंदर जो है जलाया जा रहा है। किस तरीके से उनके जो है परिजन जितने भी थे उन्होंने कहा है कि उसको जो है पूरा 100% जो इन्होंने जानकारी हम तक दी है, इन्होंने कहा है कि वो 100% जो है जल चुके हैं। आप इनका यही जो है मांग यही है कि जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कि अभी भी जिस तरीके से जो महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो महिलाओं को तंग करते हैं, महिलाओं को जला देते हैं, उनके ऊपर बने सख्त से सख्त जो है कार्रवाई हो, ताकि ऐसा देखने को हमें ना मिले। तो आप देख रहे थे चैनल वन, सुरेंद्र परिहार को दीजिए फिलहाल इजाज़त, फिर किसी और खबर के साथ ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।